खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनाडा ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया। कनाडा के झूठे आरोपों का भारत ने अब तक करारा जवाब दिया है। इस बीच भारत ने कनाडा पर एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को दिल्ली से वापस कनाडा बुलाने को कहा है। कनाडा के पीएम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद कनाडा के खिलाफ भारत सरकार का ये तीसरा एक्शन है। भारत सरकार ने सबसे पहले कनाडा के एक खुफिया अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों की भारत में एंट्री पर रोक लगाते हुए वीजा सेवाओं को बंद कर दिया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले और वहां यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इसके बाद भारत ने कनाडा के 40 राजनयिकों पर सख्त एक्शन लेकर अपने तेवर साफ कर दिए हैं। बता दें कि भारत ने कनाडा पर इस एक्शन को लेकर संकेत पहले ही दे दिए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में कनाडा के ज्यादा राजनयिक तैनात हैं और उनकी संख्या कम किए जाने की जरूरत है। हालांकि भारत के इस एक्शन पर कनाडा की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि कनाडा के सरे में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा के संसद में दावा किया था कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि भारत ने ट्रूडो के इन दावों को खारिज करते हुए इसे बेतुका और बेबुनियाद बताया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि कनाडा ने अब तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे के रूप में कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। फिलहाल भारत कनाडा के खिलाफ फिर से एक्शन मोड पर आ गया है और भारत के तेवर बता रहे हैं कि वो कनाडा को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।